धरना प्रदर्शन के लिए आया था, तो मैं एंट्री कर रहा था, और कहा कि आप गाड़ी में बैठे, ये गाड़ी में बैठा मोबाइल मेरा छिली है और मुझे खाना मरसाना नहीं है। वहाँ मुझे करीबन 2-3 घंटे रखा, उसके बाद मुझे भी वापस भेजा जब यहाँ से प्रेशर बढ़ा था, और यहाँ से जब मेरा साथी लोगों ने दवा बनाया तो मुझे वापस भेजा गया है। मेरे साथ में सारी NM स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट CHO BPM यूनिट सारी मेरे साथ में। नहीं, क्या ऐसा कारण रहा, क्या वजह रही जिसके कारण आपको पुलिस दवा बना? ये दवा बनाने का काम है कि कैसे भी धरना यहाँ से स्थगित हो जाए, लेकिन धरना स्थगित नहीं हुआ। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो अगला कदम आपका क्या होगा? हमारा जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ऐसे ही धरना चलता रहेगा। जिसमें मुख्य मांग हमारी नियमितीकरण, वेतन विसंगति, समान कार्य समान वेतन, ये ट्रांसफ़र पॉलिसी, इंश्योरेंस, और आशाओं को वेतन मिलना चाहिए, और जो हमारी ANM बहन जी हैं इनकी काफ़ी वेतन कम है, इस तरह की सभी मांगे हैं। कब तक ये मांगे चलेंगी और किस तरीके का ये उपयोग किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है, हमारी मांगे ये शुरू से चली आ रही हैं। इसका पूरा प्रोग्राम है, 26 जुलाई को हमने घेराव किया था MD NHM का, उसमें ACS सर से हमारे बात हुई थी, अपर मुख्य सचिव होते हैं ACS सर, उनसे बात वार्ता हुई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि हम आपकी 3 मांगे मान लेते हैं, उसमें वेतन विसंगति का एक था, ट्रांसफर पॉलिसी का एक था, इंश्योरेंस का, 3 मांगे उन्होंने हमारी मानी थी। लेकिन अभी तक 26 जुलाई से लेकर अब तक उसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तब जाकर हमारी प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा दोबारा से एक प्रोग्राम नियत किया गया, उसमें 29 तारीख को, इसी 29 नवंबर को MD NHM का द्वारा घेराव किया। हमारी वार्ता हुई है HR मैडम से, तो उन्होंने हमारी मांग, किसी भी मांग को मानने को तैयार नहीं थी, किसी भी मांग के लिए लिखित में नहीं दिया था, इसलिए जो कि हमारा पहले से नियत था कि 30 तारीख से धरना प्रदर्शन अपने CMO कार्यालय पर हम करेंगे, जिला कार्यालय पर करेंगे। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती आगे की रणनीति क्या होगी? हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। उसमें आज, जिसमें आज जिला प्रशासन के द्वारा ऐसा हुआ है कि हमारे एक संगठन मंत्री को उठा लिया गया था, जिसके लिए हम सब लोग CMO ऑफिस के बाहर इकट्ठे हुए हैं, और इसमें हमारे जितने भी जिले में अन्य संगठन हैं वो सभी हमारे साथ हैं। इसको लेकर अभी SDM सर और CMO सर से वार्ता चल भी रही थी, अभी आप लोग आए उससे पहले, और सौरभ यादव को वहाँ से वापस करने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी भेज दी। मैं उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर ANM बहनजी ने पहुँचाया कोविड वैक्सीनेशन। आज कोविड वैक्सीनेशन इनका प्रभावित हो रहा है तो इनका हमारे ऊपर मतलब प्रेशर बनना है, तो कोविड वैक्सीन और सारा काम बंद कर दो, कोविड वैक्सीनेशन करो। क्यों भाई, हमें मौका मिला है, कोविड वैक्सीनेशन हम क्यों काम चालू कर दें? और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी कोविड वैक्सीनेशन का बहिष्कार होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम लोगों को जेल में जाना पड़े, चाहे लाठी पड़े, कुछ भी करे। देखिए, ये इनके प्रदेश की जो NHM द्वारा इनका धरना, इनका हड़ताल चल रही है जो 29 तारीख से है। हमने इनसे कल भी वार्ता की, इनके अध्यक्ष और सचिव से, और आज ही वार्ता की, जनता के हित में, समाज के हित में, क्योंकि जैसे ओमिक्रॉन 22 कंट्री में आ गया है, इसलिए कहीं भी इंडिया में भी हो सकता है, और हम कोविड वैक्सीनेशन 100% फर्स्ट डोज और सेकंड डोज को जितनी जल्दी पूरा कर सकें, जिससे कि हम अपने प्रदेश को, अपने जनपद को, पूरे देश की रक्षा कर सकें। हमने हमारा इन लोगों से आह्वान है और इनके रिक्वेस्ट भी है जो हमारी इन लोगों से, कि आपकी जो मांग है हमने प्रदेश स्तर पर उनको भेज दिया है, और कल हमारे अपर मुख्य सचिव साहब ने NIC की जो मीटिंग 5 से 5:30, उन्होंने कहा कि इनके जो मांगे हैं हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, वेतन भेज सकते, वेतन विसंगतियाँ जो हैं उन पर, और इनका ट्रांसफर बाकी भी काम कर रहे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया उन पर कार्य कर रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से इन लोगों से, इनके प्रदेश कार्यकारिणी और यहाँ में सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जनता के हित में और प्रदेश के हित में, और ये धरना जितने जल्दी हो सके या जो हड़ताल समाप्त करें, जिससे हम जनता को उसकी आकांक्षा पर उसकी पूरा कर सकें।